students, location and time. Location means a place where we are staying, and in the world map where we are, that location is mentioned over here in this chapter. And in earlier session we have completed the location of our GPS. Through that we can locate our system, through we can locate ourselves where we are. So with this map, Google map also, we can where we are, we can find it out ourselves. So same way यहाँ पर एक map दिया गया है और the page number 23 of our textbook. Textbook, it is of earth globe is given. Whenever that is on the paper, earth जब paper के ऊपर होता है तब ऐसा दिखता है. So that have to be on the paper. Full globe is on the paper. So here northern, southern side, north side and south side, then eastern side and western side. यहाँ पर फोर पार्ट में ये मैप को डिवाइड कर दिया गया है. अर्लियर सेशन हमने ग्लोब भी देखा था, वो ग्लोब को काट के अलग कर दिया जाए तो ये ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा. ओके, सो पेपर के ऊपर जो सर्कुलर फॉर्म है उसको पेपर के ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, जो बीच में से जा रही है दैट इज ऑफ इक्वेटर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की साइड वाला लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की साइड वाला लाइन है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के थ्रू पास आउट होता है. सो दैट हैव टू बी मेंशन ओवर हियर. अब यहाँ पर जीरो डिग्री है लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर जो लंबे लंबे जो लाइन्स है दैट आर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. तो ये लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर सेंटर ऑफ दिस. और ये जो है यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करता है आपको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, वैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर वैसे डिवाइड करते थे, वैसे ही ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड. ओके, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑल्सो वी हैव टू क्लेरिफाई विद दिस जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड. और यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि 360 हमारे टोटल लॉन्गिट्यूड है, उसमें से 180 डिग्री पर अर्थ दो पार्ट में स्प्लिट करता है. ओके, तो यहाँ पर जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बताया गया है, मीन्स अर्थ वर्टिकली दो पार्ट में स्प्लिट होगा. ओके, तो यहाँ पर जीरो डिग्री को क्या कहेंगे और 180 डिग्री को क्या कहेंगे वो हमारे यहाँ पर है. फर्स्ट इज अ मेजर लॉन्गिट्यूड, इसके अंदर फर्स्ट इज अ प्राइम मेरिडियन और अ ग्रीनिच. द जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनिच इन इंग्लैंड इज नोन एज अ प्राइम मेरिडियन. ओके, तो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो मैंने बताया था सेंटर में से पास आउट होता है, सो दैट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू वर्टिकल हाल्व्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड. हमारा इंडिया भी दैट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू द ईस्टर्न साइड. इट हैज अ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडेड अप टू 180 डिग्री ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड. ओके, टू 180 डिग्री ईस्टर्न साइड और 180 डिग्री वेस्टर्न साइड. सिंस इट पासेस थ्रू ग्रीनिच इट इज जनरली रिफर्स टू एज द प्राइम मेरिडियन एज वेल. तो ग्रीनिच भी कहते हैं जिसको और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. सो टू नेम्स फॉर देयर ऑफ द सेम लाइन दैट इज ऑफ जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनिच. देन इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट में ग्लोब बताया था उसके अंदर सिगजैग वाली होती है, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन. देयर इज ओनली वन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे डेट कंसिडर की जाती है. व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन द डे एंड डेट चेंजेस. इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड सेपरेट टू कैलेंडर डेट्स. ये जो पैसिफिक ओशन है उसमें से पास आउट होती है और दो अलग अलग डेट मेंशन होते हैं. सो दैट इज इट हैव टू बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इट इज नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑल प्लेसेस विच द लाइन क्रिस क्रॉसेस अक्रॉस सेवरल टाइम जोन.
तो यहाँ पर 180 डिग्री एग्जैक्टली नहीं होता है। जहां जहां पर लैंड एरिया है, मैंने बताया था कि लैंड एरिया में भी आ जाता है वो, जब 180 डिग्री मेजरमेंट करते हैं तो लैंड एरिया को वो लाइन जो है वो हटाकर वाटर बॉडीज के अंदर शिफ्ट कर दी जाती है। इसीलिए ये जो इंटरनेशनल डिप लाइन है वो ज़िगज़ैग है, क्रॉस है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अ ड्रॉस, इट इज नॉट ड्रॉन स्ट्रेट। देन द लाइन हैज टू पास थ्रू मेनी आइलैंड एंड ड्यू टू दिस द दे माइट हैव टू डेज एंड टू डेट्स ऑन द सेम आइलैंड। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड के अंदर से भी इंटरनेशनल डिक्लाइन पास होती है। अब एक ही आइलैंड के अंदर अगर इंटरनेशनल डिक्लाइन पास होती है और वो दोनों साइड पर, एक साइड संडे होगा दूसरी साइड मंडे होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। सो फॉर दैट पर्पज स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट that have to make the same date and time at the same position. Okay, तो land area जो है उसको water bodies में convert कर shift कर दिया और international decline जो है land area में same रहे, यही ध्यान रखा गया है। This might create the confusion. Therefore, the line when it is passes over land, it shifted towards the water bodies and so it is not a straight but zigzag. ओके, तो ये वाटर बॉडीज के अंदर शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए जो इंटरनेशनल डिक्लाइन है वो ज़िगज़ैग है ना कि स्ट्रेट। और हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो था प्राइमरियन वो स्ट्रेट है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो स्प्लिट टू द ग्लोब इन द टू हाल्स। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल डिक्लाइन दी गई है जो मैंने ग्लोब में भी बताया था, यहाँ पर ज़िगज़ैग है, यहाँ पर 180 डिग्री में स्ट्रेट जाती, पर यहाँ पर रशिया जो है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दो पार्ट में अगर हो जाता तो यहाँ पर दो साइड्स के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर दो डेट होते, दो डेट एंड डे होते, तो इसीलिए दैट हैव टू बी शिफ्टेड टू द पैसिफिक ओशन। एंड अलास्का हैव टू बी सेपरेटेड, तो यहाँ पर है वो ईस्टर्न पार्ट है रशिया वाला, अलास्का वाला है वो वेस्टर्न पार्ट है, न्यूजीलैंड एंड दैट ऑल आर ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंटरनेशनल डिक्लाइन पार्ट में अलास्का और जो है वो दैट हैव टू बी अनदर डेट एंड डे। सो दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल डिक्लाइन। द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो मॉर्निंग हुई ऐसा माना गया है, पर जब ओवरहेड आता है सन तो हमें लगता है कि दोपहर हो गई है, 12 बजे या आफ्टरनून हुई है। एंड देन इवनिंग होता है तब हमें पता चल जाता है कि पूरा दिन खत्म होने को है। सो इट इज कॉल्ड द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। द टाइम एट द एनी प्लेस इट इज डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड से ही डेट पता चलती है, टाइम पता चलता है, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकली होते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट पूरा दिन 24 घंटे लगते हैं तब दिन खत्म होता है। सो दैट इज हैविंग द कंप्लीशन ऑफ द वन डे विद इन द 24 आवर्स। देर आर 360 लॉन्गिट्यूड इन ऑल। तो हमारे अर्थ के अंदर लॉन्गिट्यूड में अगर बात करते हैं तो एट आर ऑफ 180 डिग्री ऑफ ईस्टर्न एंड 180 डिग्री ऑफ वेस्टर्न, तो दोनों का मिलाकर हो गया 360 लॉन्गिट्यूड्स टोटल बनाते हैं अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूड। और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड पासस बाय द सन इन 1 आवर। तो एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड्स पास आउट होते हैं सन के सामने से, क्योंकि ग्लोब हमारा अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है और ग्लोब इटसेल्फ इज आल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। वन लॉन्गिट्यूड टेक्स यू 4 मिनट्स। तो एक लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है सन के सामने से तो उसको 4 मिनट्स लगते हैं। दस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड। तो एक लॉन्गिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड, दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट्स का फासला होता है। तो सन के सामने से एक लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है तो दैट हैव टू कंसिडर 4 मिनट्स टू टेक। और 1 आवर में कितने लॉन्गिट्यूड्स सन के सामने से पास आउट होंगे, 15 लॉन्गिट्यूड्स।
Therefore, the time is different places on the earth varies as per their longitude. तो यहाँ पर मैंने भी बताया था कि गुजरात में और वेस्ट बंगाल में कंट्री तो सेम है पर टाइमिंग्स में डिफरेंसेस होते हैं. तो ये टाइमिंग्स में डिफरेंसेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूड. ओके, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम आवर्स में कंप्लीशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्टार्ट होता है. सो जैसे कि सन जो है वो गुजरात में पहले राइसेस होता है और सेट्स जल्दी होता है. So that way that having the deviations in the timing. Then local time. अब local time कैसे consider किया जाए, क्योंकि इतने सारे longitudes हैं और timings अलग अलग होते हैं. तो parts में कौन से time को consider किया जाए? Local time. और standard time ही consider कैसे किया जाए? The time taken according to the overhead position of the sun is in a particular place is known as the local time of that place. Okay, तो यहाँ पर सन का ओवरहेड पोजीशन, ओवरहेड मीन्स माथे पर जब सन आता है तब जो पोजीशन होती है 12 नोन होता है. तो वो पोजीशन को ध्यान में रखते हुए टाइम लोकेशन लोकल टाइमिंग डिसाइड करते हैं. इट डिफर्स बाय द 4 मिनट्स विद एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड. हर एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है तो 4 मिनट्स दैट हैव टू बी डिफरेंसेस. व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन इट वुड बी 12 नोन. तो हर एक लॉन्गिट्यूड अगर सन को एग्जैक्टली फेस करता है तो वो माना जाता है कि अभी 12 बजे है. मीन्स 12 बजे होते हैं तब हम लॉन्गिट्यूड पर से सन के सामने से पास आउट होते हैं, ऐसा मान लेना है आप. ओके, तो ये पता चला कि अब जब हमारे घड़ी में 12 बजते हैं मीन्स हमारा एक लॉन्गिट्यूड, हम जहाँ पर लॉन्गिट्यूड पर खड़े हैं वो लॉन्गिट्यूड सन के सामने से पास आउट होता है. In all the places of that longitude, in this way the local time of the places is decided according to mid-moon. Mid-moon means दोपहर के exact 12 बजते हैं तब जो भी timings होता है उसके हिसाब से local time decide करते हैं. The places decided on the same longitude have the same time and places located at a different longitude in the same country have different times. अब ये डिफरेंसेस आता है कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग होते हैं. तो एक ही कंट्री में 12 बजते हैं तो गुजरात में 12 बजते हैं तो कश्मीर में उस टाइम पर 12 नहीं बजते हैं. लोकल टाइम है क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्गिट्यूड पहले पास आउट होता है, वहाँ पर बाद में होता है. सो टाइम लगता है, इट टेक्स अ टाइम फॉर सर्कुलेटिंग फ्रॉम द सन. सन के सामने से सर्कुलेट होने में टाइम लगता है. In the country, if the local time is different in a different places, it can create problem in the administration. तो एक ही कंट्री के अंदर अगर लोकल टाइम एक से ज्यादा होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही तकलीफ पड़ती है. How can one work in such a situation? कौन कैसे काम करेगा अब इस सिचुएशन में? What must one do to solve the problem? Let us understand. तो इसका भी एक सॉल्यूशन बताया गया है. सो दैट इज ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम. लोकल टाइम अलग होता है और स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है. लोकल टाइम जो है एग्जैक्ट 12 नोन ओवरहेड आता है सन तब माना जाता है. और स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री के अंदर सेंटर में जो भी स्टेट हो जाती है, सेंटर में जो भी प्लेसेस होता है उसके जो भी टाइमिंग्स है उसको ही पूरे कंट्री के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि दैट इज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस व्हिच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. दिस मीन्स दैट टाइम इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इन द कंट्री व्हिच इज नोन एज अ स्टैंडर्ड टाइम. ओके, तो पूरी कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना जरूरी होता है. और इसीलिए जो भी कंट्री के अंदर सेंटर में जो पार्ट रखा है, सेंटर कंट्री का ऊपर सेंटर तो होगा ही, वहाँ पर कोई सिटी होगा और वो सिटी के अंदर जो भी टाइम होता है वो पूरी कंट्री के अंदर कंसिडर किया जाता है कि वही स्टैंडर्ड टाइम है और पूरी कंट्री वही टाइमिंग्स फॉलो करेंगे. क्योंकि ये बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके लिए बहुत ही तकलीफ होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. इसलिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट
लॉन्गिट्यूड हमारा इंडिया कहाँ पर आया है, ईस्ट साइड आया है एंड दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट और वो कहाँ पर है विच इज पास थ्रू अलाहाबाद. अलाहाबाद में सेंटर में आता है हमारा अलाहाबाद और दैट इज इन द उत्तर प्रदेश. दिस मीन्स दैट इट इज नॉट वेल नोन इन द अलाहाबाद, इट इज वेल नोन एवरीवेयर इन द कंट्री. मीन्स 12 बजे से अलाहाबाद के अंदर वहाँ पर लॉन्गिट्यूड जो पास होता है वही टाइमिंग कंसिडर किया जाता है पूरे कंट्री के अंदर. दैट इज अलाहाबाद में 12 o'clock हुआ है, गुजरात में भी 12 o'clock होगा, कश्मीर में भी 12 o'clock, कन्याकुमारी में भी 12 o'clock होगा, वेस्ट बंगाल में भी 12 o'clock होगा. ओके सो दैट इज कंसिडर्ड एट ऑल द प्लेसेस ऑफ द कंट्री. एंड दिस मेक्स इट अ कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. ओके तो यहाँ पर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है. नेक्स्ट टू नो के अंदर देख लो द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द ईस्ट एंड ग्रीनिश लाइन आर नोटेड बाई द लेटर ई. ग्रीनिश लाइन के ईस्टर्न साइड वाला जो है वो लॉन्गिट्यूड ई, वेल दो सिचुएटेड इन द वेस्ट आर डिनोटेड एट द बाई द लेटर डब्ल्यू. वेस्ट साइड है तो डब्ल्यू माना गया है और ईस्ट साइड ई. इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड आई बी एल, शॉर्ट में बता दिया. इफ अ कंट्री एक्सटेंडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड देन इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. तो एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी हो सकते हैं कंट्री के अंदर. द लैटिट्यूड ऑन द नॉर्दर्न एंड इक्वेटर आर डिनोटेड बाई द लेटर एन, वेल दो सिचुएटेड ऑन द सदर्न एंड डिनोटेड एज द लेटर एस. नॉर्दर्न को एन लेटर और सदर्न को एस लेटर से डिनोट किया गया. वेस्टर्न को डब्ल्यू, ईस्टर्न को ई. द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज 111 किलोमीटर. तो जो लैटिट्यूड है मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में का जो डिफरेंसेस है अंतर है वो 111 किलोमीटर का होता है. और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो दोनों का डिफरेंस क्या होता है 4 मिनट्स ऑफ पासिंग थ्रू द सन 4 मिनट्स टू टेक. ओके सो दिस इज अबाउट द लेसन.